मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतं अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्ध फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदोसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वेद का एक मंत्र है छांदोग्य उपनिषद, सामवेद का उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, जिसका सातवां अध्याय और उसके 26वें खंड का दूसरा मंत्र है 7:26:2। मैं पढ़ ही देता हूं। तदेश श्लोको न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नोत दुःखात् सर्वं ह पश्य पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वशः इति। स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा भवति सप्तधा नवधा चैव पुनश्चैकादशः स्मृतः शतं च दश चैकसहस्राणि च विंशति। आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धि सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृतिर्लाभे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः। तस्मै मृदित्कषाय तमसस्तपारं दर्शयत् भगवान् सनत्कुमार। तस्कन्दम् इति आचक्षते तस्कन्द इत्याचक्षते। इतना मंत्र है। इस पूरे मंत्र के बीच में एक पंक्ति है जो सनत कुमार भगवान ने देवर्षि नारद को उपदेश दिया है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति।
स्मृति लाभ है सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जब हमारा भोजन शुद्ध होगा, आहार भोजन शुद्ध होगा, तो हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। भोजन की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होगी। जैसा खावे अन्न वैसा होवे। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब ध्रुवा स्मृति, फिर आपकी याददाश्त बहुत पक्की हो जाएगी, अटल हो जाएगी। फिर आप सत्संग में जो एक बार सुन लोगे भूलोगे नहीं, फिर आचार्य जी जो पढ़ा देंगे फिर आप भूलोगे नहीं। भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं दोष है। ऐसा किसी के साथ तो नहीं है कि सत्संग की बात समझ में तो आती है, अच्छी भी लगती है, लेकिन भूल जाते हैं? ऐसा तो कोई है नहीं। यहाँ पे सबको याद रहता है ना, सबको याद रहता है। देखो, मैंने इसलिए कहा वेद का मंत्र मैंने पढ़ा, सामवेद का, छांदोग्योपनिषद का मंत्र है। आहार शुद्ध हो, भोजन में शुद्धि होगा तो अंतःकरण निर्मल होगा। अंतःकरण आपका शुद्ध होगा तो एक बार सुनोगे तो भी वो आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, स्मृति अच्छी हो जाएगी। और जब आपकी स्मृति अच्छी हो जाएगी तो जो आपकी स्मृति में होगा वैसे तो व्यवहार करोगे ना, जो आपके चित्त में होगा वैसे व्यवहार करोगे ना। तो आप जब वैसी साधना करोगे तो आपके अंतःकरण में जितनी ग्रंथियां हैं, सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः, समस्त आपकी ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाएंगी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। और आप उस जीवन मुक्त का अनुभव प्राप्त करोगे। सनत कुमार जी ने उपदेश दिया और देवर्षि नारद इस उपदेश से सिद्ध हो गए। वेद के इस सिद्धांत को भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ज्यों का त्यों रखा। देखो, आधार है वेद, प्रमाण है श्रुति, और भगवान ने उसको ज्यों का तो यहां पे रखा कि अर्जुन, भोजन भी तीन प्रकार का होता है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमो। ये तीन श्लोक में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये तीनों श्लोक में, एक में सत्वगुणी, एक में रजोगुणी, एक में तमोगुणी, आठवां, नौवां, दसवां। श्री भगवान उवाच, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विक प्रियाः कट्वं ललमणा तुष्णा तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकमय प्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। आहारः सात्विक प्रियाः, जो सत्वगुणी हैं उनको सात्विक भोजन बहुत प्रिय होता है। देखो, आहार शब्द को हम कहते हैं हिर्यते इति आहारा, आहरति इति आहारा, ये दोनों उसका भाव होगा। हम अपने इस ज्ञानेंद्रियों से बाहर से जो ग्रहण करते हैं उसी का नाम हो गया आहार। आँख से
हमने रूप रंग को ग्रहण किया, कान से आपने शब्द का ग्रहण किया, नासिका से आपने सुगंध और बाहर की चीज को ग्रहण किया ना। तो आहार शब्द केवल भोजन से मत समझना। जब वेद में आया तो वेद भगवान कह रहे हैं जो बाहर से पांचों ज्ञान इंद्रियां आपकी ग्रहण करती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों में आपका विवेक होना चाहिए क्या हमको ग्रहण करना है और क्या ग्रहण नहीं। कानों से क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है इसका भी विचार हो। वाणी से कैसे बोलना है क्या नहीं बोलना है इसका भी विचार हो। तो जो सात्विक है देखो, इसलिए आहार शब्द, अब बड़ा इस पर विवाद होता है, विवाद का विषय जब रामायण हम पढ़ाएंगे तब पढ़ा देंगे। उसमें है कि हनुमान जी ने ऐसा कहा, प्रात नाम जो ले मारा ता दिन ताही न मिलई, ऐसा। तो इसका मतलब हनुमान जी का सवेरे नाम लेगा तो उसको उस दिन पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा, सही बात है हाँ। अरे हम हनुमान जी का नाम लेते हैं इतना खाते हैं अभी इतना मिला है खा के हाँ, तो मतलब क्या होगा उसका कुछ और अर्थ है। इसलिए वहां पर आहार शब्द है हाँ। ये जितने कोर्ट वाले हैं उस शब्द की तो व्याख्या करते रहते हैं है ना, इस पंक्ति का इस सेंटेंस का ये अर्थ होगा, इसका ये अर्थ होगा, और नहीं तो एक जज से फिर तीन जज, फिर आज शायद पांच जज की बेंच बैठी थी ना आज पांच जज की बेंच से जो है निर्णय आया, कहाँ कहाँ वाला हो महाराष्ट्र वाला। अब देखो तो उस शब्द का, तो जो रामायण में आहार शब्द लिखा है वो बहुत साधारण नहीं है, आहार शब्द में ही सब कुछ छुपा हुआ है हाँ। तो वहां पर अगर किसी ने कह दिया जो हनुमान जी का नाम लेगा उसको सवेरे खाना नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे एक कुछ समझा ही नहीं शास्त्र को भी। भाई शास्त्र को समझना है तो शास्त्रों को जो ज्ञाता है उनके द्वारा आपको समझना। आहार यहां गीता जी में आहार माने बाहर से जो आप आहारित कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, उसी का नाम हुआ आहार। प्रधान रूप से भोजन मुख्य माना गया, भोजन मुख्य, क्योंकि उस भोजन के तीन विभाग होते हैं, ये सब वेद में है हाँ। क्योंकि सारी सृष्टि त्रिगुणात्मक है, पूरी सृष्टि तीन गुणों वाली है प्रकृति के, तो जो अन्न है उसमें भी तीन गुण हैं, जो जल है उसमें भी तीन गुण हैं। तो जो अन्न आप खाते हो उसमें जो उसका बहुत सूक्ष्म अंश है, सात्विक अंश है, उससे आपका अंतःकरण परिपुष्ट होता है, उससे वृत्तियों का निर्माण होता है। जो उस अन्न का रजोगुणी अंश है, मध्यम अंश, उसके द्वारा आपके इस शरीर के जो सात धातुएं हैं वो पुष्ट होती हैं, अस्थि, मांस, मज्जा, मेद, रक्त, वीर, ये सात धातुएं, ये शरीर पुष्ट होता है। और जो उसका बहुत स्थूल अंश है, तमोगुणी अंश है, वो शरीर उसको बाहर कर देता है। ये उपनिषद में आया है, ये उपनिषद की बात है। तो भोजन जब करो तो बहुत सोच समझ करके करो, कैसा भोजन आपको करना है, क्योंकि भोजन हम अपने शरीर के भीतर ले जाएंगे, वो भोजन मेरे शरीर में पचेगा और उससे मेरे पूरे जीवन का निर्माण होगा हाँ। अब वो मेडिकल साइंस वाले कहते हैं ग्लूकोज चाहिए शरीर को, और वो भोजन जाके पचेगा, ग्लूकोज बनता होगा, ठीक है मान लिया मैंने, हम खंडन कैसे करेंगे, लेकिन मन हमारा है ना, मन को तो किसी डॉक्टर ने अभी तक देखा नहीं है हाँ। ब्रेन को खोल लेंगे, उसके सेल्स आदि देख लेंगे, मन कैसे होता है अभी तक किसी डॉक्टर को पता नहीं, जबकि उसके पास भी मन है, उसके पास भी मन है ना, उसके पास भी अंतःकरण है ना, उसका निर्माण वैसे होगा जैसे आप अन्न खाओ। भोजन में तीन शुद्धि चाहिए, ये बात हम कह करके तो आगे इस प्रसंग में, तीन प्रकार की शुद्धि चाहिए। पहला कहते हैं
द्रव्य शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, आप नित की कमाई का भोजन हो, नित की कमाई का। अगर हम अनित की कमाई से अन्न खरीदेंगे और उससे हमारे परिवार के बच्चे अनित की कमाई वाला अन्न खाएंगे तो मन खराब होगा। एक महात्मा, उनका शिष्य था कोई सम्राट, सम्राट कोई शिष्य था, तो उसके यहां गए। ओ महाराज, राजा ने बड़ा स्वागत किया, आइए महाराज आइए। उनको बढ़िया अपना विश्राम की व्यवस्था दिया। रानी स्वयं सेवा करती है अपनी दासियों के साथ। गुरुजी हैं। अब सवेरा हुआ, महात्मा जी सवेरे स्नान करके, क्योंकि महात्मा जी जल्दी उठते थे और सब पूरा राजमहल सोया रहता था, देर में उठते थे। महात्मा जी जल्दी उठे, स्नान करके भजन करना है, तब तक देखा वहीं मेज पर नौलखा हार कोई रानी का पड़ा हुआ है। महाराज, महात्मा जी के मन में आया, कहाँ जिंदगी भर मांगते रहेंगे, क्या है सौ सुनार की, हाँ जिंदगी बन जाएगा। महाराज उसको हार को उठाया, अपने कमंडल में डाल लिया और कमंडल में डाल करके और महल से निकल पड़े। जितने सैनिक लोग, सेवक लोग, महाराज जी जा रहे हैं, सम्राट से मिले, बोले नहीं नहीं बता देना, मैं हम गए और लेके चले गए। अब महल में दोपहर हुई, रानी ने कहा मेरा हार, दासियां ये वो ढूंढना शुरू हुआ, हार कहाँ गया। किसी ने कहा वही छूटा था शायद जहां गुरु जी थे, बोले नहीं गुरु जी हो ही नहीं सकता। हाँ, किसी को बुक, अब पूरे महल में चर्चा है हार कहाँ गया। किसी का जरा भी संशय नहीं कि गुरु जी हार चुरा के चले गए। क्या हुआ, आप लोगों को लग रहा है कि मैं अपनी सुना रहा हूं? अपने घर पे नहीं रोकोगे हमको? अब दो उधर तो ढूंढ रहे हैं, उधर जो महाराज जंगल में गए तो दैव संयोग, जो जैसे कहते पानी बदलता है, स्थान बदलता है, तो उनको वो पानी बदला तो उनको जो है पेचिस जैसा लग गया, डायरिया जैसा हुआ, और बार बार उनको शौच क्रिया के ले जाना, और महात्मा है तो शौच क्रिया करें तो नदी में स्नान भी करें फिर आवे फिर, और सवेरे से शाम तक इतना शरीर जो है असक्त हो गया कि चला न जावे। जब दूसरे दिन शाम को ताकत रही नहीं और पूरा शरीर का खाया नहीं गया, कुछ पानी पिया नहीं गया और अंदर का सब निकल गया, तब शाम को जब ध्यान करने जरा बैठे ताकत जैसा दौड़ लगा के, तो उनके मन में आया मैंने ऐसी चोरी क्यों किया, वो तो राजा के महल में ढूंढ रहे होंगे, ये तो बड़ा अपराध हो गया मैंने, और ऐसी चोरी कर ली ठीक नहीं है, बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा किया। हाँ, वो हार लिए और हार लेकर के फिर से राजा के महल में आ गए। राजा से पूछा, सम्राट ने फिर से प्रणाम किया, महाराज आइए आइए आपका स्वागत है, आप तो आप ही का स्थान है। महाराज ने भरी सभा में पूछा, राजन कोई चीज तो आपकी नहीं खो गई है? महाराज ने कहा, अरे महाराज एक रानी का हार खो गया, कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, आप उसकी चिंता मत करिए। महाराज ने कहा हम ही चुरा के ले गए थे। भरी सभा में स्वीकार करना कितनी बड़ी बात होगी, हम ही चुरा के ले गए थे। महाराज सारी सभा के लोग सन, अरे अरे महाराज जी गुरु, अरे नहीं महाराज जी आप चोरी नहीं कर सकते, वो भूल से चला गया होगा आपके, आप चोरी नहीं। महात्मा जी ने कहा वो बात अलग है, मैं ले गया था, पहले पता करो कि हमको जो खाना खिलाया था वो कहां से आया था, जो हमको भोजन कराया था वो कहां से आया था। अब जो मुख्य कोठार, हम लोगों की भाषा में कोठारी होता है, क्या कहते हैं रसोईया वाले को, हाँ भंडा, हेड कुक, अरे तो भैया फाइव स्टार हम नहीं देखे। उसको बुलाया गया, एक क्या बनाया था तूने? वो डरते डरते आया, राजन खीर बनाए थे, कल महाराज जी को खीर खिलाया था, कहाँ से बनाया था? अरे तब पता लगा, सैनिक को बुलाया गया, सेनापति, सेनापति ने कहा कोई एक चोर
किसी सेठ के घर से चावल की बोरी चुरा के ले जा रहा था, सैनिकों की नजर में आ गया, सैनिक लोग दौड़ के पकड़ लिए उस चोर को, और वो जो चावल की बोरी था वो सेठ चूंकि उस पर कर नहीं चुकाया था तो उसने स्वीकार नहीं किया कि हमारे यहां से चोरी किया है, तो वो राज खजाने में क्या हो जाता है, फिर जब्त हो गया, और उसी चावल की खीर हमने बनाई थी। महात्मा ने कहा देखा वो चावल था कहां का, चोरी का, चोरी का चावल, चुराया किसी और ने, लेकिन उस वस्तु के साथ उसका भाव खराब हुआ और आगे चलते चलते वो उससे बना हुआ भोजन हमने खाया, मेरी बुद्धि भी खराब हो गई। जब हमको दस्त लगे बार बार तो जितना वह मैंने अनीति वाला खाया था वो सब शरीर से निकल गया, जब शरीर से निकल गया तो मेरी बुद्धि में फिर से अपना ज्ञान अपनी समझ प्रकट हो गई। राजन जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, आप जो अन्न खाते हैं उसमें शुद्धि होनी चाहिए, पहली चीज है आपकी कमाई शुद्ध हो, कमाई शुद्ध हो, कम से कम भोजन की सामग्री पर, भोजन की सामग्री। दूसरी चीज है उसको कहते हैं वस्तु शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, वस्तु शुद्धि। वस्तु शुद्धि माने कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको शास्त्र ने मना कर दिया कि इसको नहीं खाना है। हम नॉनवेज वाली तो बातें नहीं करते, किनारे करते हैं, उसका विषय कभी और, हमको यहीं पर विचार करना है। लेकिन एक बहुत मोटी सी बात है, हम लहसुन खाएं कि ना खाएं, नहीं क्यों, अगर हार्ट पेशेंट है तो डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब करता है, गार्लिक कैप्सूल से आते हैं, है ना, लहसुन खाएं कि ना खाएं, वो हमारे हार्ट के लिए फायदेमंद होता है, हमारे ब्लड को पतला करता है, जो काम आपकी एस्पिरिन करती है वही काम वो गार्लिक करता है ना, ऐसा कुछ। सभी जितने भी हार्ट वाले होंगे उनको एस्पिरिन दिया होगा, चाहे थोड़ी मात्रा में चाहे ज़्यादा मात्रा में, हाँ रोज लेना पड़ता होगा। जो काम एस्पिरिन करती है उसी एस्पिरिन के अलग अलग नाम है, कोल एस्पिरिन, डिस्प्रिन, उसकी उसमें मात्रा अलग अलग होती है। हाँ उसका काम खून को, ब्लड को पतला करना, तो पतला हो जाता है तो शरीर की नस, हाँ कहा हुआ विनोद तुम तो कहा आजकल बड़े चुपचाप हो, तुम कहा पढ़ते पढ़ाते रहते हो, शरीर बन ऐसे बना वैसे बना, हाँ? तो लहसुन खाएं कि ना खाएं, वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, जिनसे हम बोलवाना चाह रहे वही नहीं बोलेंगे। वैद्य है, डॉक्टर है, उसकी दृष्टि में मेरा शरीर ठीक रखना है। देखो नजरिया देखो, डॉक्टर चाहता है कि आपका शरीर ठीक रहे और महात्मा चाहते हैं कि आपका मन ठीक रहे। अब आप क्या ठीक रखना चाहते हो, शरीर की मन दोनों मत बोल देना। तो महात्मा की दृष्टि में यह है कि जिस चीज को खाने से शरीर भले ठीक होवे लेकिन मन खराब हो जावे उस चीज को महात्मा मना कर देगा, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बड़ा सा पहलवान भी हो, तंदुरुस्त भी हुए, लेकिन मन जरा खराब हो जाए तो पागल खाने में पड़ता है जाके। संत कहेंगे इस चीज को खाने से आपका दिल खराब हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा, तो इसको मत खाओ। हाँ वैद्य कहेगा, डॉक्टर कहेगा इसको खाओ तो शरीर तुम्हारा स्वस्थ होगा। दोनों का दृष्टि अलग अलग है, आप जो चाहते हो सो स्वीकार करो, हम मना नहीं करेंगे। देखो तो इसको कहते हैं वस्तु शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, कमाई शुद्ध हो, वस्तु शुद्ध हो, और तीसरे का नाम होता है भाव शुद्धि। ये तीन प्रकार की शुद्धि हो तो भोजन आप करो। भाव शुद्धि, भाव शुद्धि क्या कहूँ, हम अपने कहें, हम छोटे छोटे थे, स्कूल जाते थे, हमारी माताजी और पिताजी में लड़ाई हो गई, आप लोगों के यहाँ तो होती नहीं होगी,
सब लोग बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छे लोग हो, सत्संगी लोग हो, गीता सुनते हो आप लोग भैया। हमारी माता जी पिताजी में लड़ाई हो गई किसी बात को लेके, हुई पता नहीं क्या बात थी, और खास करके लड़ाई का मूल कारण था हमारी बुआ जी। नाम ननद होता है ना, ननद माने जिसके आने से आनंद ना मिले उसका नाम ननद। ना आनंद ये प्यार की भाषा है, ऐसा मत समझना ननद। अब हमारा अपनी बुआ से बड़ा प्रेम था ना? तो अच्छा, अब माता पिताजी में लड़ाई हो गई, अब हमारी माँ जो है और जो भी है पूरा का पूरा वाणी का प्रवाह अंधाधुन। और उसके बाद फिर रोटी भी बना रही थी, क्योंकि बच्चे हैं हम लोग थे छोटे छोटे, स्कूल जाना था, तो सवेरे सवेरे रोटी भी बना रही थी, भोजन भी बना रही थी, और रोई भी जा रही थी। हाँ, मन दुखी है, मन दुखी है, अश्रुपात भी हो रहा है, और भोजन भी बना रहे हैं। अब उस भोजन को खाने वाला सुखी कैसे होगा, कभी बनाए तो नहीं हो जितने लोग बैठी हो सब, हाँ, दुखी मन से। आप कल्पना करो, आप लोग आजकल जो आप भोजन बनाने के लिए जिसको आपने हायर किया है, नौकरी पे रखा हुआ है, क्या समझते हो उसका मन कैसा है बनाने के लिए? हो सकता है उसका बच्चा वहां पड़ा हुआ है, रो रहा है, तो उसका मन तो वहां लगा हुआ है, यहां वो दाल बना रही है तब। इसीलिए सबसे बढ़िया माना जाता था भोजन स्वयं बनाओ, झाड़ू लगवा लो, पोछा लगवा लो, बर्तन धुलवा लो, कपड़े धुलवा लो, सब्जी कटवा लो, लेकिन भोजन स्वयं बनाओ जैसा खावे। तो इसको कहते भाव शुद्धि, भाव शुद्धि। तीन प्रकार की शुद्धि हो तो भोजन से आपका मन अच्छा होगा, द्रव्य शुद्धि, दूसरा वस्तु शुद्धि, और तीसरा भाव शुद्धि, ये तीन। इसीलिए अच्छा, आप लोग आश्रम आते हो, घर पे तो बढ़िया बढ़िया आप लोग बना के खाते हो, आश्रम आते हो तो वहां शायद सूखी रोटी मिली, दाल मिला, लेकिन कई बार आप कहोगे आश्रम का भोजन बड़ा अच्छा लगा, क्यों लगा? वहां बनाने वाले का भाव ठीक होगा ना, बनाने वाले का भाव ठीक होता है। ये तीन प्रकार से शुद्धि देखी जाती है। हम श्लोक पर देख लो, अब सात्विक भोजन, सात्विक भोजन का श्लोक दे दिया है, जिस भोजन के करने से आयु बढ़े, आयु आयु बढ़े, सत्व, सत्व माने अंतःकरण आपका प्रसन्न रहे, हृदय गदगद रहे, प्रसन्न रहे, बल आपका शरीर बलवान हो, आरोग्य आपके शरीर में रोग ना हो, सुख प्रीति दिल आपका सुखमय होवे, आपस में प्रेम संबंध बना रहे, रस्या रस वाला होवे, रस्या माने थोड़ा रस वाला होवे, स्निग्धा थोड़ा घी वगैरह भी डाल दिया करो कभी कभी घी में, दालोल में स्निग्धा, ऐसा भोजन आपका सात्विक भोजन होता है। अब ना समझ में आवे तो सीधा कहता हूं खीर बनाओ तो सात्विक भोजन है, रसगुल्ला सात्विक है, वो रस वाला है ना, रस वाला है, हम देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, तो क्या हुआ वो आयु सत्व। अपना आयुर्वेद में लिखा है घृतम हो आयु, थोड़ा चिकनापन हो वे, आपके शरीर को शक्ति मिले, बल मिले, वह सब का सब भोजन आपका सत्वगुणी भोजन। अब अपने आप आगे समझ लो आप लोग, अगला वाला भी समझ लोगे तो दोनों का कंपेयर कर लोगे तो आसानी हो जाएगी ना। दूसरा वाला भोजन है जो कटु ज्यादा हो, देखो कटु, कटु अम्ल, थोड़ा खटास ज्यादा हो, कटु अम्ल, नमक थोड़ा और ले आओ ऊपर से डालेंगे, कम है नमक, नमक ज्यादा हो, लवण, उष्ण, ऐसी रोटी ले आओ बिल्कुल तवे पर से सीधे थाली में, कैसी हो पूरा, वैसे हमारे यहां पर इतना बढ़िया परंपरा थी कि भगवान ने हमको सीधा चम्मच दे रखा है ना,
आप लोग जो है वो लोहे का चम्मच या किसी पीतल के चम्मच से खाते हो तो गर्म कितना है ये तो वो चम्मच थोड़े बतावेगा आपको। कई बार मुंह में डालते हुए और हो, जला होगा कई बार। अगर मान लो हाथ से खाते भगवान के दिए चम्मच से तो आपका हाथ बता देता ना कि दाल ज्यादा गर्म है। ना जाने कहां विदेशी सभ्यता चम्मच से खाएंगे, छुरी काटा से खाएंगे पागल लोग। तो इतना गरम गरम खाने की क्या जरूरत है। और किसी ने गुलाब जामुन हमको दिया, महाराज गुलाब जामुन चम्मच से जो है बढ़िया देखा, ऐसे उठाया और खाने गए, तब तक जो खिला रही थी उनका स्वामी जी सावधान, ये हमने उसमें गर्म किया है माइक्रोवेव में। हमने कहा इसका मतलब क्या, बोले ऊपर से ठंडा लगेगा और अंदर से पूरा, अब देखो अंदर से बहुत गर्म होगा, अब चम्मच से अगर खा लेते तो अंदर तक पूरा फिर तो उष्णा तीक्ष्ण, तीक्ष्ण तीक्ष्ण कहते हैं मिर्ची थोड़ा ज्यादा होए, रुक्ष सूखा सूखा जैसे ऐठी पैठी रोटी होए, विदाहीना अंदर जलाने वाला होए, ऐसा भोजन है वो रजोगुणी भोजन है। कटु आम्ल लवणा उस नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया पक्का सक्का आया गया समझ में, पकौड़ी पकौड़ी रजोगुण है, समोसा समोसा की सिंघाड़ा बंगाल में उसको सिंघाड़ा बोलते हैं, हम लोग तालाब में पैदा होने वाले को सिंघाड़ा कहते हैं, बंगाली भाषा में समोसे को सिंघाड़ा बोलते हैं। तो समोसा वो कैसा है, रजोगुणी है, अभी हम खा के आए हैं। पकौड़ी भी खाए हैं और समोसा भी खाए हैं, चाय गरम गरम वो क्या होगी, सत्वगुणी। अब अपने आप समझ लिए ना सब, अब कोई बताने की जरूरत नहीं। तो अब क्या खाओगे आप जानो। अब इसमें हम देखो, अभी हमने वो वाला नाम नहीं लिए, कौन सा पिज्जा और बर्गर और पेटीज मोमोज उसका नाम नहीं लिया मैंने ना। जैसा खावे वन अन वैसा हो, मन मंगाओ खाओ और कोको कोला पियो। हाँ कोको कोला कौन सा होगा, वो कोका कोला की कोको कोला पेप्सी क्या होगा, वो सत्वगुणी की रजोगुणी। अंदर लीवर सड़ा देगा, दिमाग सही हो जाएगा। हाँ उसको ऐसे डाल करके थोड़ी देर छोड़ दो फिर देखो। हमारे कई हमारे महात्माओं को कई को बड़ा प्रिय होता है, लीवर काटना पड़ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। चलो कभी महीने में एक दिन पी लो तो चलेगा। हाँ रोज नहीं, वैसे नहीं। वैसे आज हम दीवी से बहुत खुश हैं क्योंकि अकेला आया हुआ है, शायद इसकी मम्मी छोड़ गई। हाँ नहीं बहुत अच्छा लड़का है, गुड बॉय है। नहीं खाना वो पेटीज मोमोज, बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत अंदर तक खराब करता है। तीसरा वाला देखो, यात यामम मतलब हुआ जो अभी बहुत अच्छी तरह से पका नहीं है, अधकच्चा। यातयामम का होता है अधकच्चा। गत रसम माने जिसमें से उसका सार सबका सब चला गया है, अब उसमें कोई सार नहीं रहे उस भोजन में। हाँ बहुत ज्यादा आपने भून दिया, बहुत ज्यादा उसको पका दिया तो उसका सार पूरा चला गया। पूती, पूती का मतलब होता है उसमें ऐसी गंध आ रही जो नाक को अच्छी नहीं लग रही, हमको अच्छी नहीं लग रही। किसी भी पशु को आप खाना दे दो, किसी भी पशु को चारा दो, सबसे पहले सूंघता है। बंदर हो, गाय हो, भैंस हो, ऊंट हो, किसी भी पशु को देखो पहले वो सूंघता है फिर खाता है। सबसे पहले नासिका को, अगर हमारी नासिका को कोई भोजन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको मत खाओ, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो।
पारियुषितम, पारियुषितम कहते हैं, हाँ इसे समझ लो, हाँ बासी भोजन। अब ये बड़ी भारी समस्या ये है, हमसे पूछा था किसी ने, कहीं हमने 17वां अध्याय पढ़ाया था, जमाने बीत गए, तो किसी ने पूछा सवेरे सवेरे, स्वामी जी हम आटा गूंधते हैं, चार रोटी बनाई और जो थोड़ा बच गया उसको फ्रिज में रख देते हैं और दूसरे दिन फिर उसी से बनाते हैं, अब वो हमारा क्या है, वो आटा बासी हुआ कि नहीं हुआ, तमोगुणी हुआ कि रजोगुणी, हाँ हमको धर्म संकट में डाल दिया था वहां पे। तो अब हम नहीं कह रहे क्या है, क्योंकि फ्रिज है तो उसका उपयोग तो करोगे करोगे, दाल बच गई रख दिया, सब्जी बच गई रख दिया, गर्म करके खिला देते हो, तो यहां पर बासी उस जमाने में फ्रिज नहीं था भगवान श्री कृष्ण के जमाने में, नहीं तो लिख देते कि फ्रिज में रखने वाला भोजन भी किस श्रेणी में आता है है ना। तो देखो शब्द यात यामम का मैंने बता दिया, अधपका, गत रसम जिसका रस चला गया, पूति माने जिसमें से दुर्गंध आ रही, पर्युषतम माने बासी, उच्छिष्टम, उच्छिष्टम ये बाकायदा होटलों में होता है, नहीं बस सामने आ गया, सामने आ गया, जो दिखाई पड़ता है सो खा लोगे। ये सब तीन प्रकार का भोजन है, सत्वगुणी रजोगुणी तम, आप निर्णय स्वयं करो। यहाँ पर कुछ लक्षण दिए हैं, हमने कहा था ये लक्षण हैं, बाकी हम ज़्यादा विश्लेषण इस पर नहीं कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रसंग सुना करके इसके आगे वाले प्रसंग में चल पड़ते हैं। आगे आएगा यज्ञ का, तीन प्रकार का यज्ञ होता है। तो छोटा सा प्रसंग में भोजन के बारे में, बड़े काम का आपका, हमारे आयुर्वेद के एक महान ऋषि थे जिनका नाम था चरक, चरक ऋषि का नाम तो सुना होगा सबने, हाँ नहीं सुना सबने, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, ये सब हमारे आयुर्वेद के महान आचार्य हुए, च्यवन ऋषि। तो चरक ऋषि जब उन्होंने अपना चरक संहिता नाम का ग्रंथ लिख दिया, उसके बाद वो भ्रमण करने लगे कि चल करके पूछूं किसने क्या समझा, क्या ग्रहण किया, तो किसी महात्मा के पास गए और उनसे जाके पूछा, कोरुको कोरुको कौन निरोगी होगा, को कहा अरुक, कहा अरुक कौन निरोगी होगा, रोग रहित कौन होगा, रोग रहित कौन होगा। महाराज किसी ने कहा ये वाली जड़ी खावे वो, किसी ने कहा ये वाला रस पिए वो, सब ने अपना अपना, चरक महाराज संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन माना जाता है कौवे का रूप बनाया, ऐसा कई लोग कहते हैं। और बहुत महान ऋषि है, नाम था उनका वाग्भट्ट, जिनकी वाणी के विद्वान हैं वाग्भट्ट ऋषि, बैठे हैं वृक्ष के नीचे कुछ शास्त्र लिख रहे हैं और ऊपर से वो आए, महाराज ऊपर बैठे और ऊपर से बोला, ये शास्त्र तो बना रहे हो, पोथी लिख रहे हो, कोरुख कोरुख कौन निरोगी होगा, रोग रहित कौन होगा। अच्छा, वाग्भट्ट जी ने ऐसे देखा, उन्होंने तुरंत एक चूंकि वाणी एक श्लोक बना डाला, एक श्लोक पूरा बनाया, श्लोक बना करके बोला, रित भुक मित भुक हित भुक शत पद याणी, हित भुक मित भुक रित भुक सद पदयाणी, वामशीश्च अभिजित मूत्र पुरुष सो रुक सो रुक। श्लोक बना के सुना दिया, चरक ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, बस यही आप ही समझे, यही बात है। श्लोक समझ में आ गया आप लोगों को, हा? नहीं, कौन निरोगी होगा, हा? हित भुक पहला शब्द है, हित भुक, आपके सामने भोजन आ जावे तो वो जो तुम्हारे शरीर के अनुकूल हो उसी को खाओ, हित भुक माने जो तुम्हारे शरीर का हित करने वाला हो। अगर मान लो इतना पता है कि हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो लड्डू क्यों खा रहे हो, फिर मत खाओ, संयम रखो, हित भुक। हाँ
अरे प्रसाद, घर की जो है माताएं बेचारी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि रात में 1 बजे उठेंगे फिर चुपके से निकाल के और उसमें से खा जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। अब शुगर का मरीज को, उसको शुगर का थोड़ा लालच भी ज्यादा होता है। हित भोग, जो आपके शरीर को अनुकूल हित करने वाला हो वो खाओ। दूसरा शब्द कहा रित भुख, रित वाली वही नीत की कमाई का खाओ, पहले भी हमने बताया। तीसरा था मित भुख, मित भुख माने जैसे कहते मितव्ययिता, हाँ क्वांटिटी बहुत ज्यादा मत खाओ, इतना मत शरीर में खा लो कि आपको तकलीफ हो जावे। कैसे खाओ, जितना आपकी भूख हो उससे कम खाओ। हाँ आज के समय में आप पूरा का पूरा WHO का जो है निकाल के पढ़ लो, उनके सारे रिसर्च के पेपर्स पढ़ लो, आदमी कम खाने से उतना नहीं मर रहा है जितना ज़्यादा खाने से मर रहा है। आज वर्तमान समाज की स्थिति है कि ओवर ईटिंग ज़्यादा है। कम खाओ, हमारे ऋषि लोग तो पहले कहते थे कम खाना, अगला कम खाना और गम खाओ। क्या बात है महाराज, कम खाओ खुशी रहो। हाँ आयुर्वेद के हिसाब से जितना भूख है, अगर आपके शरीर में इतना भूख है तो आधा अन्न से भरो, आधा पेट खाओ, और जो आधा बचा उसका आधा 1/4 पानी पियो, और बाकी 1/4 खाली रखो श्वास लेने के लिए भी महाराज। हाँ इतना नहीं कि चला न जाओ, मथुरा के पंडे मत बन जाओ। हाँ कोई मथुरा वाले नाराज मत होना। हाँ महाराज एक बहू आई शादी हो करके मथुरा में, और सास ने कहा, नई नई बहू थी, सास ने कहा ए बहू जल्दी से चारपाई और पाई बिछा। बहू ने कहा मम्मी क्या बात है माता जी, बोले अरे तेरे पिताजी गए ना, तेरे ससुर जी गए ना वहाँ भोजन में भंडारे में, वहां से इतना खा लेंगे तो आएंगे तो सोना पड़ेगा ना, तुरंत आके फिर बोला नहीं जाता उनसे, सो जाते हैं। बहू ने कहा माँ आपके यहाँ तो एक कैसा रिवाज है। सास ने कहा फिर तुम्हारे यहाँ क्या होता है, बोले हमारे यहाँ तो जो न्योते जाता है चारपाई अपने लिए जाता है नहीं। वहां से इतनी दूर तक आए कैसे बताइए। तो इतना मत खाओ। हित भूक रित भूक और नित भूक। अच्छा अगला शब्द है सत पद याणी। हाँ कम से कम भोजन करने के बाद तुरंत चारपाई पर लेट मत जाओ, 100 कदम तो आप चलो, 100 कदम चलो। अरे भाई वैसे भी अगर कहीं घड़े में आप गेहूं भरो, हम अच्छा गेहूं तो चलेगा, चावल तो पेट्रोल टंकी पे देखो तो हंसी आती है, वो अंदर जब पेट्रोल भरता है तो कई लोग गाड़ी को ऐसे देखा कि नहीं हिलाते, तो वो तो तरल है पेट्रोल, तो क्या हिलाने से ज्यादा भर जाओगे उसमें, तुम लोग हिलाए हो कि नहीं, गाड़ी हिलाए नहीं हो, नहीं तो तरल है ना भाई, जैसे गेहूं है तो उसमें आप भरोगे तो उसको हिलाओगे तो थोड़ा गेहूं सेट हो जाएगा, यही ना। तो आप 100 कदम चलोगे तो भोजन आपका भीतर। एक मथुरा के पंडित जी एक अपने छोटा पोता के साथ गए न्योते में, हे आज ज्यादा खा लेना क्योंकि कल खाना नहीं बनाए होंगे घर पे आज भोजन। अब महाराज वहाँ जब रसगुल्ला आ रहा है बढ़िया बढ़िया, तो पिताजी तो खा रहे हैं, एक खाया दो खाया तीन खाया, और बच्चा एक रसगुल्ला खाता है फिर जरा सा पानी पीता है, फिर रसगुल्ला खाता है फिर पानी पीता है, खाता नहीं है पानी पी के पेट भर रहा है खा। उसने कहा पिताजी आप समझते नहीं हो, आप सीधे खाए जा रहे हो, हम एक रसगुल्ला खाते हैं फिर पानी पीते हैं तो उसको जमा देते हैं भीतर, तुम ज्यादा खाएंगे। पिताजी ने एक थप्पड़ बगल से मारा, तो हमको पहले कहीं नहीं बताया, हम भी ऐसे करते हैं। तो इतना ना खाओ भैया।
और खाने के बाद 100 कदम थोड़ा सा चलो। अगली जो पंक्ति है, वाम शेष अभिजित मूत्र पुरुष, जब थोड़ा सा खाने के बाद आराम करो तो बाएं करवट लेटो। अब हम लोग वज्रासन पे नहीं बैठ सकते, हमारे शुक्ला जी को कोई कहे अब वज्रासन पे बैठो खाने के बाद, है ना, हम भी नहीं बैठ सकते, तभी तो देखो ना कुर्सी पे आ गए। तो अब हम लोगों के लिए, हम भी बैठते थे, दो दो घंटा हम बैठते थे, वो गए जमाने। तो अब ये लोग जो नए लोग हो वज्रासन पे बैठ लो, नहीं तो बाएं करवट। और मूत्र पुरुष जो हमारा पेशाब और मल मूत्र का है उसको रोको मत, रोको मत। अभिजित, विजित नहीं, अभिजित मूत्र पुरुष, सो रुक सो रुको, वो निरोगी होगा, वो निरोगी होगा। ये है वाग्भट जी का श्लोक का अर्थ। तो भोजन के बारे में जो हमको बताना था बहुत बता दिया, कि और बताएं, अभी कम नहीं हुआ, अभी मैंने शाकाहारी मांसाहारी पर अभी नहीं आए थे, अभी इतना काफी है, जैसा खाओगे वैसा आपका मन बनेगा। इसलिए अगर मन, एक जैसे एक दिन शाम को खूब तला भुना खा लो, ऐसे अनुभव करो, प्रैक्टिकल करो, शाम को खूब बढ़िया तला भुना वगैरह खूब रजोगुणी वाला भोजन कर लो, और सवेरे फिर 5 बजे उठ के ध्यान करने बैठो, जाप करने बैठो, और अपने मन के ही साक्षी बन करके देखो आपका मन शांत है कि नहीं, आपका मन उस दिन भजन पूजन में लगेगा कि नहीं लगेगा, अपने अनुभव को देखो। और किसी दूसरे दिन शाम को बहुत हल्का सा खाओ, ना खाओ ज्यादा तला भुना, हल्का सा खाओ और सो जाओ, और सवेरे उठ के स्नान करके ध्यान करने बैठो, और उस दिन मन कैसा है, दोनों दिन के मन की स्थिति का आप तुलनात्मक अध्ययन करो अपने आप का। जिस दिन कम खाए रहोगे, सात्विक खाए रहोगे, आपका मन जाप में पूजा में लगेगा, ध्यान में लगेगा, और जिस दिन बहुत ज्यादा शाम को खा लिया, कुछ समय में खाया है, उसके बाद आप ध्यान पूजा करने बैठोगे, मन भी चंचल होगा, लगेगा नहीं। और अगर साधना भजन करना है तो भोजन में शुद्धि। तो 3 प्रकार का भोजन, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। यहां से आपकी साधना शुरू होती है। अब आगे यज्ञ के विषय में, 3 प्रकार का यज्ञ, 11वां, 12वां, 13वां, 3 प्रकार का यज्ञ है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो ययुज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसंधाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनम श्रेष्ठन्नम् मंत्रहीनम दक्षिणम् श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। अर्जुन, यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का यज्ञ, सत्वगुणी यज्ञ, रजोगुणी यज्ञ और तमोगुणी। अब स्पष्ट हम ऐसे कह सकते हैं, ये हमारा जो यहां बैठ के सुन रहे हो, ये हमारा ज्ञान यज्ञ है। गीता जी में ही भगवान ने कहा है, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्य। तो ये ज्ञान यज्ञ है,
गुरुदेव यज्ञशाला कहते थे जहां सत्संग होता था, ये ज्ञान यज्ञ। इस समय जो यज्ञ है हमारा, ये कौन सा? सत्वगुणी यज्ञ। ये सत्वगुणी यज्ञ, चलो शास्त्र के हिसाब से समझ लो। फिर हम इस श्लोक का अर्थ कर देते हैं। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे ना, विश्वामित्र का यज्ञ अपने लिए तो नहीं, हो तो ब्रह्मर्षि हो चुके, अपने लिए नहीं, किसके लिए? समाज का पूरा भला हो, समाज का कल्याण हो। समस्या है यज्ञ पूरा नहीं होता, स्वयं भगवान आकर के यज्ञ को पूरा करते, नारायण स्वयं आते हैं उस यज्ञ को पूरा करने के लिए। उनका सात्विक यज्ञ है, वो सात्विक यज्ञ है किसका? विश्वामित्र। और जब दशरथ महाराज यज्ञ करते हैं तब हाँ, वो भी यज्ञ करते हैं, लेकिन चित्त में कामना है, चित्त में एक कामना है, हमको पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, एक कामना है। तो जब मन के भीतर कामना है तो जो आपने यज्ञ किया है उस यज्ञ से भगवान उस समय प्रकट नहीं हुए, भगवान तो बाद में मिलते हैं, लेकिन उस समय अग्नि देवता ने आकर के उनको खीर दिया है। अच्छा, एक देवता आके प्रकट हुई, अग्नि देवता ने खीर दिया है, कौन सा यज्ञ हो जाएगा? रजोगुणी। ठीक है ना, स्पष्ट है। फिर जब लक्ष्मण जी को होश आ गया शक्ति बाण के लगने के बाद, संजीवनी बूटी आई और उनको होश आ गया, उसके बाद मेघनाथ भाग गया। निकुंभिला देवी का मंदिर कोई है, कोई निकुंभिला देवी का मंदिर था, उसकी देवी थी आराध्य, वहां जाके एक अभिचार यज्ञ करने लगता है और उससे एक अजय रथ मिलने वाला था, जिस रथ पर बैठ जाता तो कोई हरा नहीं सकता था। तब विभीषण ने बताया और लक्ष्मण जी हनुमान जी सब मिलके जाते हैं और उसके यज्ञ को विध्वंस किया, उसके यज्ञ को पूरा नहीं होने दिया था और मेघनाथ का फिर वध किया। उस मेघनाथ का यज्ञ रावण भी यज्ञ करने लगा था, सबके मरने के बाद रावण यज्ञ करने बैठ गया, रावण भी यज्ञ करने बैठ गया, लेकिन उसके यज्ञ में जब देखा तो सारी सेनाओं को लेके हनुमान जी पहुंचे। महाराज ऐसी समस्या हुई कि एक दूसरे को उसके अग्निकुंड में पानी डाल दिया, लेकिन रावण से अग्नि देवता भी डरते थे, फिर से प्रकट हो गए, जलने लगी अग्नि, उसके तो बस में सब कुछ थे। फिर कोई बंदर इधर से पकड़ के खींचता है रावण को, उधर से पकड़ के खींचता है, क्योंकि उठ जावे तो इसका यज्ञ खंडित हो जावे, वो महाराज उठता नहीं। तब अंगद को एक बात सूझी, अंगद को एक बात समझ में आई, जवान है ना, वो जल्दी से महल के भीतर घुस गए और महल के भीतर घुस के जो रावण की पटरानियां थी उनके बाल को पकड़ पकड़ के वहां पर यज्ञशाला के सामने ले आए, कोई लात से मारे, कोई घूंसा से मारे उनको। अब देवियां नाराज मत होना, हाँ वो रावण का, तब वहां मंदोदरी ने कहा था कि जब पहले समझाया जाता था तब तो तुम नहीं समझे थे, अब इस समय पर ये सारे बंदर भालू हम पर अत्याचार कर रहे हैं और तुम्हारा जैसा वीर ध्यान करने बैठा हुआ है, यज्ञशाला के सामने बैठा हुआ है, धिक्कार है तुमको। तब रावण गुस्से में खड़ा हो गया, ठहरो ठहरो अभी बताता हूं। महाराज जैसे रावण खड़ा हुआ गुस्से में, ये अंगद वगैरह सब वहां से भाग खड़े हुए, फिर बस उनका इतना ही था कि ये जहां बैठा है वहां से, और बाद में फिर रावण जाता है मारा जाता है। तो रावण और मेघनाथ का यज्ञ कौन सा हो गया? तमोगुणी। देखो आपका बिल्कुल स्पष्ट हो गया, सत्वगुणी यज्ञ, रजोगुणी यज्ञ। सत्वगुणी यज्ञ में सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना। रजोगुणी यज्ञ में अपनी कामना है और तमोगुणी यज्ञ में दूसरे का नाश करने की भाव है। इस श्लोक का अनुवाद देख लो, आफलाकांक्षभिर यज्ञः, आफलाकांक्ष भी जो स्वयं अपने लिए कोई फल की कामना है, अपने लिए स्वार्थी नहीं है बिल्कुल, विधि दृष्टि नियम पूर्वक जैसा शास्त्र बताया है, यष्टव्यम एव इति, यज्ञ करना ही चाहिए, हमारा मन शांत हो, भगवान का भजन हम करें, भगवान से हमारी प्रीति हो, इसके लिए जब कोई यज्ञ करता है तो उसका यज्ञ सात्विक यज्ञ। हम गुरुदेव की भाषा यही थी कि जो जो सत्संग का आयोजन कराता है ये सब सात्विक यज्ञ है, इसका अथाह पुण्य होता है,
इसके पुण्य की कोई सीमा नहीं है, इसके पुण्य की कोई सीमा नहीं है। ये मेरा अपना अनुभव है, मेरे गुरुदेव का अनुभव है, शास्त्र के अनुसार मैं कह सकता हूँ। हाँ, तो सत्संग का आयोजन करना कराना महाराज, इसी दृष्टि से आप महाराज धन्यभागी हो। हाँ, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, जब जागे तभी सवेरा, बिल्कुल। नहीं तो जब सर्विस में थे तो चाहते तो हर महीना दो चार बड़े बड़े यज्ञ करा सकते थे, है ना, बस केवल इशारा करने की जरूरत होती उस समय पर। हाँ, तो यही वाला हाल फिर वैसे दे देते, है ना, तो वहाँ गाजियाबाद में दर्जनों सत्संग हो जाता। लेकिन अब आप जहाँ पर वो सत्संग होने जा रहा है 17 तारीख से, वो पैसा ले हुएगा बताओ। तो फिर तो हमारी साधना का, भक्ति का एक यही फल है। यहाँ पर अगर अंतिम समय में भी किसी का मन भगवान से लग गया तो उसका कल्याण है। हाँ, आखिरी वृत्ति कहते हैं अंतिम वृत्ति। जैसे गहरी निद्रा में सोते गए तो अंतिम वृत्ति जो है राम राम कही जे जमु, अंतिम वृत्ति। हाँ, बस प्रभु आप सब पर कृपा करें। भाग्यशाली हो जो आप लोग सुनते हो महाराज गीता, नहीं तो गीता बहुत कम। आप इसी लखनऊ के आसपास जितने जिले हैं आप एक नज़र घुमाओ, हरदोई है, बहराइच है, गोंडा है, रायबरेली है, उन्नाव, आप ढूंढ के देखना कहीं पर गीता जी का प्रवचन हो रहा हो तो बताना। रामायण की कथा होती है, टीवी खोलो भागवत की कथा सुनाने वाला मिल जाएगा, एक साथ में चार चार जड़ी बूटी मंत्र बेचने वाला मिल जाएगा, लेकिन गीता जी का उपदेश आप ढूंढो तो मुश्किल से मिलेगा, कोई बिरला मिलता है। तो ईश्वर की कृपा है आप सब, ये सात्विक ज्ञान यज्ञ है हमारा, ये हमारा ज्ञान यज्ञ कौन सा, सात्विक। हाँ, तो हाँ, मैंने कहा दशरथ का भी यज्ञ है, लेकिन दशरथ का यज्ञ सत्वगुणी नहीं है, उनका रजोगुणी यज्ञ है। हाँ, चलो दूसरा श्लोक पे आओ, 11वां श्लोक समझ में आया। हाँ, 12वां श्लोक देखना, अभिसंधाय तु फलम। देखो पहले वाले में था अफल कांक्षवीर, सतगुणी यज्ञ में था वो फल की कोई कामना नहीं करता, और यहां अभिसंधाय तु फलम, शुरुआत में ही फल की कामना को सामने रख लेता है, हमको ये फल चाहिए। कभी कभी दिखावे के लिए भी कोई यज्ञ करता है, दम्भार्थम, दूसरे को दिखाने के लिए भी यज्ञ करता है। ऐसा हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, इस भाव से कोई यज्ञ करता है तो उसका यज्ञ रजो गुणी है। तम यज्ञम विधि, ऐसे यज्ञ को रजोगुणी। और तीसरा वाला जो तमोगुणी यज्ञ है, हे भगवान क्या कहें, अब आप इनके लक्षण देखना। सबसे पहले विधिहीनम, विधि का जो है वहां पर उल्लंघन कर दिया गया। यज्ञ है जहां जहाँ फूल चढ़ाना है वहाँ चावल चढ़ाया, जहाँ पर वो चढ़ाना है वहाँ वो चढ़ाया, ना इधर का पता ना उधर का पता। और शादी विवाह में देखो तो दोनों तरफ के दो पंडित होते हैं। हाँ महाराज, क्या दोनों में लड़ाई होती है और सारे बराती मजा लेते हैं। हाँ, अब नहीं होती लड़ाई, चलो। हाँ, ये अब कैमरामैन शादी कराता है, ए माला फिर से निकाल लो, ठीक से आया नहीं फोटो, माला पहनाने के बाद फिर से निकाल लिया, अब कैमरा मैन कराता, इधर खड़े हो जाओ उधर खड़े जाओ। हाँ, हाँ, तो अब वो ऐसे खड़े हो जाओ ऐसे खड़े हो जाओ, क्या तो विधि ही नम। हाँ, अच्छा वो फोटो खिंचाने के लिए तो इतना सारा है, जब वो मंत्र पढ़ा जाने लगा तो कई लोग कहते पंडित जी जल्दी करो। हाँ, वो नाचने में जल्दी करते ना तुम, महाराज वो नाचे जा रहे तो वहां पर समय की बचौती कर लो, यहाँ पूजा करने आए तो जल्दी करो पंडित जी जल्दी करो पंडित जी। चलिए जैसा भी हो, लेकिन विधि पूर्वक जो काम करो विधि पूर्वक, विधि ही नम। दूसरा असृष्टान्नम, बहुत ऐसे ऐसे शब्द हैं, असृष्टान्नम माने आपने यज्ञ किया और एक ब्राह्मण को भोजन तक नहीं कराया तो आपका यज्ञ फिर ठीक नहीं होगा। भागवत में तो यज्ञ पत्नियों की एक कथा आती है,
ब्राह्मण लोग यज्ञ करने बैठे थे और भगवान के जो सखा लोग थे वो लोग उनके पास गए, भिक्षाम दे ही कन्हाई मेरा भूखा है। महाराज जो यज्ञ करने बैठे थे उन्होंने हाँ नहीं बोला, दूंगा ऐसा नहीं ने बोला, क्योंकि बोलते तो देना पड़ता, और यज्ञ वेदी पर बैठे हैं तो मना कैसे करें, तो उन्होंने ना भी नहीं बोला, ना हाँ बोला ना ना बोला। महाराज सब बच्चे भाग के आए, कहाँ हमको भेज दिया था। तब भगवान ने कहा, अरे सखा लोग तुम कहे कहाँ थे। सब साथियों ने कहा, ओ यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, उनके पास गए थे। बोले उनके पास क्यों गए थे, ये ब्राह्मण लोग नहीं देते, उनके घर वालियों के पास जाना चाहिए था। खिलाने पिलाने का काम तो माताओं का ही होता है। ट्रेन में हम बैठे थे, पुरानी बात है याद आ गई, ट्रेन बैठे थे, सामने पूरा परिवार बैठा था, हाँ दो तीन आदमी बैठे थे ऐसे अकड़ के, कहाँ से महात्मा बैठ गया। अब शायद सेकेंड एसी या थर्ड एसी का था वो, तो माताएं बड़ी सरल, हाँ एक मत महाराज कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा लखनऊ से। जैसे हमने कहा लखनऊ से, तो जो बैठे थे आदमी लोग उनके कान पूरा खोले, सुनना सब चाहते हैं, हाँ पूछे कौन। हाँ और माताएं सरल भाव से फिर पूछ, कहाँ जाएंगे महाराज, हमने कहा हमको आगरा जाना है। अच्छा क्या करते हो महाराज, हमने कहा प्रवचन करते हैं, सत्संग सुनाते हैं। तो कितना घंटा बोलते हो महाराज, हाँ कितना घंटा, अब सब माताएं बोल रही, वही बात कर रही, आदमी नहीं। फिर उन्होंने कहा, हमने कहा भागवत कथा होती तो 3 घंटा, गीता होता है तो 1.5 घंटा, उपनिषद होगा तो 1 घंटा, ऐसे ऐसे सुनाते हैं। अरे 3 घंटा बोलते जाते हो, बोलते जाते हो, तो महाराज 2 किलो दूध पिया करो। वो अपना डब्बा उब्बा कुछ निकाली, उसमें से लीजिए महाराज। हमने इन आदमियों, वो आदमी लोग जो बैठे थे, उसने कहा महाराज एक बात पूछे, हमने कहा खिलाना पिलाना इनका काम है, पूछने का काम बताओ। तो उनके पास जाओ, तो भगवान के सखा लोग वहां गए, फिर यज्ञ पत्नियों ने भोजन कराया। ये भागवत में कथा आती है, अगर आप एक भूखे को अन्न नहीं दे सकते हो तो यज्ञ कैसे आपका सफल होगा। विधिहीनम असृष्टानम, अन्नदान महादान। तीसरा है मंत्रहीनम, ओ मंत्रहीनम, मंत्र ही ठीक से न पढ़े महाराज, ऐसा यज्ञ किया कि पंडित जी को मंत्र ही पढ़ना नहीं आवे। हाँ कौन सा मंत्र बोलते हो, यानी कानी पानी पानी यानी कानी पानी पानी पदे पदे, अब ऐसे जो है जैसे हो जैसे देखो, ये अर्थी वाली बात है। चीता पे रख दिया तो एक घड़ा रखते हैं पीछे, घड़ा रखते तो उसमें छेद कर देते हैं, तो पानी से गिरता जाता है तो उसको वैसे कंधे पे लेके जो है, हाँ तो उस समय पर जो वहाँ के पंडित हैं शमशान घाट के, उनको ज़्यादा पढ़ा लिखा थे नहीं, तो उन्होंने बस वो मंत्र कौन सा पढ़े, तो मंत्र तो पता नहीं कौन सा पढ़ने का, तो उन्होंने यानी कानी पानी पानी पदे पढ़े। अब ऐसे कोई मंत्र पढ़ने से कोई होता है, मंत्रहीनम, ठीक से मंत्र पढ़ना ना आवे। विधिहीनम असृष्टान्नम, मंत्रहीनम, और ये चौथी बात क्या है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा क्या है, अब हम नहीं बताएंगे। फिर आप लोग कहोगे महाराज अपनी बात पे आ गए ना। गीता में देख लेना, पांचवी चीज है श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा नहीं है और फिर भी कर रहा है, पंडित का स्वाहा ऐसे फेंक दिया। अरे ऐसे फेंक के आप किसी को आप खाना दो तो मेरे ख्याल में कोई नहीं खाएगा महाराज, आप अपने मित्र को ऐसे फेंक के दो ले खा ले तो कहेगा क्या तुम्हारे रोटी के भूखे हैं। कम से कम हम लोगों की विधि है, जैसे आपने एक फूल लिया, भगवान के मंदिर में गए, फूल चढ़ाना है, तो हमारी एक विधि, साउथ में जा करके देखो, दक्षिण भारत में, तो फूल को वो अगर मंदिर में भगवान वहाँ विराजमान तो ऐसे फेंकेगा, कभी आप देखोगे तो इस प्रकार से चढ़ाएगा, इस प्रकार से चढ़ाएगा, हम लोग ऐसे फेंक देते हैं शंकर जी के ऊपर। वो इस प्रकार से चढ़ाने का मतलब है कि ये फूल को पहले इधर लाया ना, हृदय से लगाया, हमारे अंदर दिल में बहुत सारी इच्छाएं वासनाएं हैं, फूल में वास है, इस फूल के गंध के साथ मेरे मन की समस्त वासनाएं भगवान के चरणों में
अर्पित है, ये भाव होता है। ये नहीं कि शिवरात्रि वगैरह पे तो आगे जो है उसके सिर पर ही चढ़ा देते हैं लोग जल, ऐसे नहीं होता। तो विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भोजन भी कराना है तो श्रद्धा से, प्रेम से, अगर नहीं है तो तमोगुणी यज्ञ। ये लक्षण बता दिया। तो सत्वगुणी यज्ञ, रजोगुणी यज्ञ और तम। सत्वगुणी यज्ञ में अपने लिए कोई कामना नहीं है, समाज का हित हो, सबका कल्याण हो। रजोगुणी यज्ञ में अपने लिए कामना है अथवा कभी कभी दिखावा, रजोगुणी यज्ञ। और तमोगुणी यज्ञ में ना नियम है, ना मंत्र है, ना अन्नदान है, ना दक्षिणा है, ना ही श्रद्धा है, फिर भी आदमी यज्ञ करता है तो वो सब हो गया तमोगुण। अब स्पष्ट है, अपने समाज में आप लोग देख सकते हो। और मैं आपको बिल्कुल साफ कहूं, आजकल विधि पूर्वक यज्ञ नहीं होते। अगर विधि पूर्वक यज्ञ हो तो अभी भी हमारे वेद के मंत्रों में पूरी सामर्थ्य है, सारी प्रकृति का वो रिमोट है महाराज। इतना बड़ा टीवी रखा है आपके हाथ में, इतना बड़ा रिमोट है आपके कंट्रोल में है वो। ना जाने कितने सैटेलाइट ऊपर हैं, नियंत्रण कहाँ पर हो रहा है, यहां से हो रहा है। तो सारी प्रकृति का जितना है वो सब का सब हमारे वैदिक ऋषियों के मंत्र में वह रिमोट है। बस तस्य प्रयोजक दुर्लभा, उसको जानने वाले, प्रयोग करने वाले दुर्लभ हैं। तो अगर सही प्रकार से यज्ञ होता है तो उसका फल बिल्कुल मिलता है, सही प्रकार से भक्ति पूजा होती है तो उसका फल बिल्कुल मिलता है। अब आगे तप की बात आई, तो तीन प्रकार का तप होता है। वैसे शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। ये शरीर, वाणी और मन, ये तीन चीज है हमारे पास में, शरीर, वाणी और मन। तो शरीर से तप, वाणी से तप और मन से, साथ ही साथ फिर तीनों में देखो तीन भेद हो जाएगा ना, सत्गुणी तप, रजोगुणी तप और तमोगुणी। तो शरीर का तप तीन प्रकार का हो जाएगा, वाणी का तप भी तीन प्रकार का हो जाएगा, मन का तप भी तीन प्रकार का हो जाएगा। तो उस बात को भगवान अब आगे बताते हैं। एक श्लोक और पढ़ लें क्या, एक श्लोक पढ़ लो। शरीर का तप ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना, भारी तो नहीं हो रहा है, तप हो रहा है, मतलब मैं तपा रहा हूं, इतना बढ़िया एसी में बिठाए हो, कह रहे हो तप हो रहा है। पितामह भीष्म को सरसैया पर पड़ना पड़ा, बाणों की सैया पर। उसके बाद महाभारत का युद्ध पूरा हो गया। अब वो इन्होंने शुरू किया था वहीं से, महाभारत का युद्ध से। उसमें बाद में अर्जुन ने एक बार और पूछा था, तीन बार की बात है, चार बार पूरा महाभारत का युद्ध पूरा होने के बाद फिर अर्जुन ने पूछा, तब उत्तर गीता आती, अनुगीता नाम है उसका, उस पर शंकर भाष्य है, देखा है ना तुमने, नहीं पढ़ा अनुगीता, उस पर शंकर भाष्य है। तो अर्जुन ने फिर से पूछा कि आपने रणभूमि में जो उपदेश दिया था मैं भूल गया, फिर से आप हमको सुनाइए। तो ऐसे कई घटनाएं आती हैं। तो जब बाणों की सैया पर पड़े थे और पांचों पांडव सब मिल करके फिर कुरुक्षेत्र में गए, तो उस समय पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को पूरा उपदेश दिया, राजधर्म, दान धर्म, पूरा उपदेश है। उसका नाम है शांति पर्व, महाभारत में वो बहुत बड़ा विभाग है, शांति पूरा खंड ही है, शांति पर्व बहुत विस्तार में वहां धर्म का निरूपण है। तो वहां सब लोग थे, जो जब धर्म का निरूपण कर रहे थे तो उनकी बात सुनते सुनते द्रौपदी जोर से हंस पड़ी, थोड़ा खुल के हंस पड़ी, जैसे ऐसा कोई होवे, अब यहीं पर कोई ऐसे हो जाए तो आदमी थोड़ा चुप रुक जाता है, तो ऐसे रुक गए, सब देखने लगे, भीम आदि, अर्जुन वगैरह। तो पितामह भीष्म ने कहा, बेटे आप हंसी क्यों, आप क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा, क्षमा करिए, हमसे नियंत्रण नहीं हुआ, आपसे मैं क्षमा मांगती हूँ, अशोभनीय हो गया। बोले नहीं, आप बताओ हंसी क्यों?
तब द्रौपदी ने वही बात कही कि आज तो आप धर्म की बड़ी बात कर रहे हो, उपदेश दे रहे हो, ये सारा आपके धर्म का ज्ञान उस समय कहाँ चला गया था जब भरी सभा में मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा था, उस समय कहाँ चला गया था। ये सोच के मुझको हंसी आ गई। पितामह भीष्म ने कहा, पांचाली करते क्या, ये शरीर है ना, ये शरीर है, हमको इच्छा मृत्यु का वरदान तो है, लेकिन इस शरीर ने तो इस दुर्योधन का अन्न जल खाया था ना, अन्यायी था दुर्योधन। हम जानते थे कि दुर्योधन अन्यायी है, लाक्षागृह को इसने बनवाया था, जुआ आदि इसने खिलवाया, हम जानते थे कि अन्यायी है, लेकिन जुवराज के पद पे था तो उसका अन्न जल खाने से शरीर बढ़ा था, तो हमारे ज्ञान पर एक पर्दा पड़ गया था, हमारे ज्ञान पर एक आवरण पड़ गया था। अर्जुन के बाण जब लगे मेरे शरीर में तो उन बाणों के साथ रक्त भी तो बहा, जब शरीर का सारा रक्त बहा तो उस रक्त के साथ जो इसके अन्न जल का दोष था वो भी सब निकल, तो मेरे भीतर का जो ज्ञान है वो ज्यों का त्यों उपलब्ध हो गया। देवी तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होवेगा आपका मन, वैसा जीवन होगा। अब हम यहीं पर आज विश्राम दे रहे हैं, आगे की बात कल, क्योंकि कल थोड़ा तप वाला विषय आ गया, थोड़ा तप तप मुंडक उपनिषद में श्रुति है, शायद आज सवेरे मुंडक उपनिषद पढ़ रहे थे, सवेरे मुंडक उपनिषद न, तपा श्रद्धे ही उपवसंत अरण्ये शांतो विद्वांसो भैक्षचर्याम चरन्तः। तो तप का विषय उपनिषद में है, उसका यहाँ पर भगवान ने विस्तार में दिया, किसको कहते हैं तप। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु।